अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और हमारा जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स, इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ब्रेन की, और साथ ही उसको हम फिर लेबल भी करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है ना जी। ये ब्रेन की डायग्राम है, ये आप लोग भी इतना ड्रॉ कीजिए। ह्यूमन ब्रेन, जी उसको साथ साथ कर दीजिए आप जरूर। ये जी ह्यूमन ब्रेन की एक मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, इसको अभी हम लेबल भी करेंगे। ह्यूमन ब्रेन इज लाइक दैट, दिस स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन ब्रेन है। और इसमें देखें, जो मैमल्स होते हैं, जैसे हम भी मैमल्स हैं, उनमें ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं। यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये जो है वो तीन पार्ट्स जो है वो ब्रेन के होते हैं। फोर ब्रेन कहते हैं जो फ्रंट पे होता है, मिड जो है वो दरमियान में, और हाइंड ब्रेन ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। अभी हम इसको लेबल करेंगे तो फिर यू विल कम टू नो के ब्रेन के पार्ट्स को कितने होंगे और किस तरह से हम उसको लेबल करते हैं। देखिए, इस ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा ये फ्रंट पे आपको नजर आ रहा है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और इसको हम सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हाइंड ब्रेन में आता है, पिछला हिस्सा है। ये जो सेरिब्रम है, ये फोर ब्रेन है, यानी फ्रंट साइड है, इसको कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम ये याद रखिएगा, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, राइट। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पोन्स, और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लॉन्ग गेटा। मेडुला, MEDULLA, मेडुला ऑब्लॉन्ग गेटा, इसको हम ना ब्रीदिंग सेंटर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ब्रीदिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी। इसके बाद ये देखिए, ये वाला कुछ हिस्सा, ये और ये वाला हिस्सा, ये ना दो किस्म की ग्लैंड्स हैं जो हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक होती है थैलेमस, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा, दिस इज बेसिकली थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ये भी ब्रेन के पार्ट्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं बेसिकली।
और ये जो दरमियान में है इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ठीक हो गया। इसको जरा देख ले। और यहां पे ना ये जो आपको कल एक ग्लैंड बना के दिखाई थी मैंने, ठीक है ना, वो क्या थी बेसिकली? ग्लैंड जो थी वो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो होती है यहां पे था, ये जो रेड है ना, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो रेड कलर में मैंने बनाई है इसको हम क्या कहेंगे, इसके बारे में हम कर पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छा ये हो गया जनाब हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसको जरा देख लें फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये देखिए जी, अब ये हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया है, अब इन ये जो पार्ट्स हैं इनके मुख्य फंक्शंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है कि सेरिब्रम है जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, इसका क्या फंक्शन होगा, ठीक है जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या फंक्शन होगा, सेरिबेलम का क्या फंक्शन होगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होगा, तो इनके फंक्शंस के बारे में अब हमने पढ़ना है। अच्छा ये जो सबसे पहले सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करता है, ये सबसे पहले इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस को, दूसरा आपके इमोशंस को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके इमोशंस को, तीसरा आपके सेंस ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स वो हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे आईज नोज वगैरह, चौथा आपकी मेमोरी को, ठीक है, एंड फिफ्थ वन, इसके अलावा ये कंट्रोल करता है आपके वॉलेंट्री एक्सेस, वॉलेंट्री एक्सेस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जैसे वॉक करना, टॉक करना वगैरह। सो सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स आवर इंटेलिजेंस, इमोशंस, सेंस ऑर्गन्स, मेमोरी एंड वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, ये आपने सेरिब्रम के हवाले से पढ़ा। अच्छा सेरिबेलम जो है जो आपकी बैक साइड ऑफ द ब्रेन में है, इट कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस, ये आपके बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, जैसे हम चलते हैं तो हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है, तो इसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना जो है इस सेरिबेलम का काम है, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करेगा, आपकी कॉन्शियसनेस और बॉडी बैलेंस इसको ये कंट्रोल करता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको ब्रीदिंग सेंटर भी कहा जाता है, ये एक तो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग एंड यॉनिंग, स्नीज जो हम करते हैं छींक मारते हैं या यॉन करते हैं, स्नीजिंग और यॉनिंग को ये वाला पार्ट कंट्रोल करता है, और इसके अलावा ये हमारे सॉल्ट बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर कितने सॉल्ट रहने चाहिए, कितने ढेर होने चाहिए, कितने बॉडी से बाहर जाने चाहिए, उन चीजों को ये कंट्रोल करता है जी, देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देन वी टॉक अबाउट थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपकी मुख्तलिफ जो बॉडी नीड्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे थर्स्ट है,
प्यास का लगना, हंगर है, सेक्स डिजायर है, ठीक है। तो थर्स्ट, हंगर, सेक्स डिजायर, ठीक है जी, और बॉडी हीट, इसको ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा इस हवाले से, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर और फंक्शन। सेरिब्रम आ जाता है फोर ब्रेन में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा ये आ जाती है हाइंड ब्रेन में, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है दरम्यान में आ जाता है, छोटा सा मिड ब्रेन, दरम्यान वाला, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको करवाया। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात करें, तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। क्या कहते हैं जी? न्यूरॉन। तो अब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या है। हमारा ब्रेन जो है वो भी न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, और यू कैन से नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन इज अ सेल, बेसिकली इट्स अ स्पेशलाइज्ड सेल, वायर लाइक स्ट्रक्चर। मैं अब इसकी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसको जरा देखिएगा गौर से। ये न्यूरॉन की डायग्राम है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसको प्लीज आप देखिएगा। ये एक सेल है बच्चों, जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स अ सेल, ठीक है। ये न्यूरॉन सेल है, इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस भी है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह की वायर लाइक प्रोजेक्शंस भी हैं। देखिए, मैसेजिंग के लिए ये अल्लाह ताला ने कैसा बेहतरीन स्ट्रक्चर जो है वो न्यूरॉन का जो है वो बनाया है। दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर मैसेजिंग, खासतौर पे ये मैसेजिंग के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको लेबल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, गौर करें, ये जो आपको नजर आ रहा है सेंटर में, ये है न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर में हो, और ये जो आपको वाइलेट स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये वाली इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स यानी ये डेंड्राइट्स आर वाइल्ड लाइक प्रोजेक्शंस, जिसमें आप ये कहेंगे कि ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये जो लंबा सारा आपको एक पूरी वायर नजर आ रही है, ये और ये एंड बिल, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, ये और ये, दिस इज एक्सॉन, ठीक है। और ये क्या चीज है? ये एक्सॉन एंडिंग है, दिस इज एक्सॉन एंडिंग, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन एंडिंग। और ये दरमियान में ये एक सीट है जिसने एक्सॉन को कवर किया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट।
Hylian sheath. So please look at the structure of neuron. ठीक है, और इसके अलावा ये जो है ना पूरी जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं. This is cell wall and this is the structure of neuron. ये मैंने न्यूरोन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया. इज इट ओके, क्लियर? प्लीज ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. And keep this thing in your mind that neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. अच्छा, अब आप इसको देखने पहले मैं अपना थोड़ा सा आपको बताता हूं कि किस तरह से बॉडी के अंदर मैसेजिंग होती है, हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये न्यूरॉन्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये इनका क्या फंक्शन है. जी, शुड आई स्टार्ट करूं? स्टार्ट में भी बना रहे हैं. जी जी बना, प्लीज मेक दिस डायग्राम. Both these diagrams are very important. No, 4:15 ही टाइम है, सिर्फ 4:30 नहीं है. आपको टाइम टेबल में 4:30 आया था टाइम? 4:15. इस डायग्राम को आप शेयर भी कर दीजिएगा. अच्छा, अब हाउ आर नर्वस सिस्टम वर्क्स, यानी कोऑर्डिनेशन होती कैसे. एक होता है कि स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन चेंज, यानी कि आपकी एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली होगी तो उसको हम कहेंगे स्टिमुलस. स्टिमुलस जाएगा आपके रिसेप्टर्स के पास. रिसेप्टर्स आर सर्टन ऑर्गन्स विच आर मेंट to respond against stimulus, which are made or meant to respond against a stimulus, जैसे eyes. Nose, skin, ये सब receptors. अच्छा बच्चों, receptor से message जाएगा brain में. अब ये जो ब्रेन में मैसेज जा रहा है ये कोई हवा के जरिए तो नहीं जाएगा, ये मैसेज जाएगा न्यूरॉन्स के जरिए. एंड दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स इज टू कैरी द मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन. Brain is the center of your nervous system. Brain is the center of your nervous system. इसका मतलब है brain के अंदर आपका कोई ना कोई ऐसे structure या neurons मौजूद हैं जो उसका analysis करेंगे. किसका? Message का. तो brain के अंदर होते हैं associated neurons. And the function of associated neurons is to analyze the message. Yes, ठीक है. The function of associated neurons is to analyze the message and produce an order. इनका काम है message को analyze करना और एक order produce करना. वो order जो है आपके जाएगा effectors की तरफ. Effectors वो body organs होते हैं जो उस ऑर्डर को ओबे करेंगे. तो जरा गौर करना, ये जो ऑर्डर है ये ब्रेन से इफेक्टर्स तक जाएगा, इसको भी न्यूरॉन्स ही लेके जाएंगे, उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स. सो यू कैन से इट्स अ गेम ऑफ न्यूरॉन्स. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स.
basically sensory neurons carry message from receptors to brain. Associative neurons help in analyzing the message and producing an order. And motor neurons carry order from brain to effectors so that effectors can do work according to instructions of brain. So this is basically coordination. ये है coordination mechanism. क्या overall अगर हम देखें ये body के अंदर किस तरह से ये system जो है वो coordinate कर रहा है. इसमें brain का role बहुत बहुत अहम है. Is it okay? Clear? ये चीज आप याद रखिएगा. इसको please देख ले और आगे चलते हैं. फिर अच्छा अब देखें ब्रेन है सेंटर. कल मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की थी. ब्रेन बनाया था और एक कॉर्ड बनाई जो कि नीचे तक जा रही थी आपकी हिप बोन तक. तो ये याद रखें कि जो ये है दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर से बहुत सारी वायर्स या नर्व्स जो है वो निकल रही है. ठीक है अब ये याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज अ कॉर्ड. इट्स अ कनेक्शन दैट कनेक्ट्स बॉडी विद ब्रेन. इट गोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स बॉडी पार्ट्स एंड अपवर्ड्स टुवर्ड्स ब्रेन. ठीक है तो ये चीज याद रखिए कि इसका रोल बड़ा अहम है. यहां से 31 पेयर्स ऑफ रिफ्लेक्स जो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो है वो निकलती है जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है. उसमें से 12 नर्व्स होती हैं जिनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है. अच्छा अब याद रखिए एक एक्शन होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? मिसाल के तौर पे अगर आपके हाथ पे कोई सुई लग जाए आप एकदम से हाथ पीछे कर लेंगे. ठीक है आपका हाथ किसी गर्म चीज को छुए तो आप फौरी तौर पे हाथ पीछे कर लेते हैं. इस तरह का जो इमीडिएट रिस्पांस होता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. याद रखें बच्चों इसके बारे में मैं अभी लिखवा देता हूँ आपको. रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता. रिफ्लेक्स एक्शन में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन का काम करती है क्योंकि हर नर्व इसके साथ जुड़ी हुई है तो फौरी मैसेज जाएगा यही ब्रेन का काम करेगी यही ऑर्डर इशू करेगी. तो इस तरह का एक्शन इस तरह का काम जिसमें मैसेज ब्रेन तक ना जाए बल्कि स्पाइनल कॉर्ड ही ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रही हो इस तरह के एक्शन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. तो प्लीज आप इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लें. रिफ्लेक्स एक्शंस आर दोज एक्शंस या एक्ट्स. Reflex actions are those acts in which message never goes to brain. Message never goes to brain. Reflex actions are those acts in which message never goes to brain while it goes to while it goes to the spinal cord. It goes to the spinal cord and spinal cord acts as brain. तो यहां पर spinal cord brain के तौर पर act करेगी. तो इस तरह का जो भी act होगा that is called reflexive action. Example is आपकी जो इमीडिएट पेन इफ यू फील आफ्टर टचिंग अ हॉट ठीक है ना जी यूटेंसिल बर्तन है गरम ठीक है जी उसको आप हाथ लगाएं तो आप एकदम से हाथ पीछे करते हैं तो ये इमीडिएट एक्शन जो है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक हो गया जी. तो ये है हमारा जी नर्वस सिस्टम. कल जो हमने स्टार्ट किया था ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया और न्यूरॉन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. इसके डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करना चाहिए. ठीक है इसको देख लें जी. कल वाला भी देख लें. अगला सिस्टम मैंने फिर पढ़ाना है तो आफ्टर 2 or 3 मिनट्स आप इसको देख लें 4 मिनट 5 मिनट फिर उसके बाद में अगला सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ. ऑनलाइन वाले बच्चों लिंक में भी 10 मिनट रह गए तो मैं अभी दोबारा नया लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों को.
आप इसको देख लें डायग्राम, अभी ये पिक्चर आपको शेयर कर देते हैं।